गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का। और जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इस बार पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनी है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करोगे ताकि आने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो है वो आपको बेटर मार्क्स यहाँ से दिला सकें। तो इग्नोर नहीं करना है इन सभी क्वेश्चंस को, आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट्स करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कुछ बताते भी जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक किसके कारण होती है। तो हीरे की चमक जो होता है आपको पता होना चाहिए, हीरा का अपवर्तनांक जो है काफ़ी उच्च है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक जो है काफ़ी उच्च होता है, जिस कारण से उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है। तो हीरे की चमक किसके कारण होती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उच्च अपवर्तनांक, ठीक है। तो हीरे की चमक सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है, उच्च अपवर्तनांक के कारण। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो काफ़ी उच्च होता है, इस कारण से उसमें चमक पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईरान के पार्लियामेंट किस नाम से जानी जाती है। जैसे भारत के पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं। तो ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा ईरान के पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं मजलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में पूछा गया है कि ईरान के पार्लियामेंट को कहा जाता है मजलिस। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में से एक है जो भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, 1929। तो ऑस्कर पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, 1929 में। तो देखिए एक चीज़ और, अगर आप हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस पे पहली बार आए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड करें और आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे इसकी नोटिफिकेशन जो होती है नोटिफिकेशन वो चली जाए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आएगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, तभी इस वीडियो की नोटिफिकेशन या और भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी हमारी कोई वीडियोज़ अपलोड होगी आपके सेलफोन पे, लैपटॉप पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा, फिर आप आराम से यहाँ पर आकर देख लोगे, ठीक है। ये सब बिल्कुल फ्री है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो देखिएगा भारत का जब राष्ट्रीय ध्वज बन रहा था तो उसका जब डिजाइन करने का बात चली तो एक छात्र थे जिनका नाम था पिंगले वैकैया, ठीक है, पिंगले वैकैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, पिंगले वैकैया ने। और अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। तो देखिएगा मलेरिया रोग जो है, पेट के अंदर जो मलेरिया रोग होता है वो प्लीहा, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत, ठीक है, प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है, प्लीहा। प्रश्न फिर से पढ़िए कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला अंग है प्लीहा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है झेलम, ये झेलम आपको मिल जाएगा श्रीनगर के पास, ठीक है। तो बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बागलीहार बांध झेलम नदी पर बनाया गया है। और यह बांध बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जब आप इसके बारे में आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और भी हमारे लेक्चर्स वगैरह पे आप देखिए, सभी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मिलेगी आपको, जीएस की जितनी भी लेक्चर हमारे ड्रीम क्लासेस पे आपको मिलेगी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहेगी। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ी परियोजना होती है इंदिरा गांधी परियोजना, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी
नहर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परियोजना भी आप बोल सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। एक सेकेंड, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस का, कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ग्लूकोज। और फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी हम इस टॉपिक पर डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन पे, कि भारत का जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम। पीछे भी एक वीडियो जब आप लोग हमारे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे हमने जिक्र किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसको जिक्र करना पड़ता है हमेशा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोत्सांग उत्सव, ये जो क्वेश्चन है रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए, एक चीज़ आप लोग के माइंड में चलता होगा कि ये सभी क्वेश्चंस तो हम अपने बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं रहेगा ना कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो सामने आया सबको रटना पड़ेगा आपको। तो हमारी वीडियोस देखने से सिर्फ एक प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे से होगी कि किस क्वेश्चन पे आपको गौर ज़्यादा करना है, किस क्वेश्चन पे आपको गौर कम करना है, ठीक है। तो ये जो है लोसांग उत्सव के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के मायने में, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिक्किम। ये क्वेश्चन एसएससी में भी एक दो बार पूछा गया है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी इसको हमने गेस्ट क्वेश्चन में रखा है कि तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि तेरह ताली नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है, तेरह ताली नृत्य जो है राजस्थान से। फिर से इस क्वेश्चन पे देखिए कि तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर कीजिए इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम कमेंट आने के कारण इस टाइप की वीडियोस हम बना नहीं पाते हैं, प्रोत्साहन उतना मिल नहीं पाता है सब्सक्राइबर से, आप लोगों से, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी हाल ही में हमने ये परसेंटेज का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए, पार्ट वन, फिर पार्ट टू, पार्ट थ्री करके इस टाइप से और भी बनाते जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? तो वो थी रूस की, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी रूस की, किस देश की थी? तो रूस थी। सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिएगा, सद्भावना दिवस जो है एक महत्वपूर्ण पर्व में से एक है, छोटा मोटा, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा के अनुसार काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो देखिएगा, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो ये जो है लूनर कास्टिक सिल्वर यानी चांदी का अयस्क है। देखिए, आप हमारे ड्रीम क्लासेस पे रहिएगा तो बहुत प्रॉफिट होगा, इतना हम आप लोग को बता रहे हैं। एग्ज़ाम्स आते आते, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आते आते, आप लोग के लिए मिनिमम 100 वीडियोस, ठीक है, ऑन मिनिमम 100 वीडियोस आपको एग्ज़ाम आते आते सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए डाला जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं HCl। खाना पचाने में HCl का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो खाना पचाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है HCl का। अगर आपने खाना खाया, आप ठीक से पच नहीं रहे, एकदम आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, तो इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, ताकि हमारे टीम और हमारा जो है प्रोत्साहन बना हुआ रहे। और अगर प्लीज़ अगर आपको कुछ पूछना रहे, कुछ बातें करनी रहे, या कुछ किसी टाइप की वीडियोस चाहिए, किसी टाइप का क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा रियल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे आपको रिप्लाई करने का, क्योंकि बहुत सारे SMS आते हैं, पर फिर भी आप हर एक का रिप्लाई कोशिश तो करते हैं कि चला जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।